अगली खबर में बात करते हैं पन्ना की, जहां सलेहा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक बेटे ने जमीन और पैसों की लालच में आकर अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया एवं आरोपी बेटे पर हमला करने का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर की शाम पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के पन्ना तमोली गांव में एक लालची बेटे ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला किया। राहुल चौरसिया ने अपनी मां से जमीन एवं पैसों के बंटवारे की मांग की। कुसुमबाई ने बेटे को समझाया और तत्कालिक जमीन के बंटवारे के लिए मना कर दिया, जिसे लेकर आरोपी राहुल चौरसिया अपना आपा खो बैठा और वहीं पास में रखी कुल्हाड़ी को उठाकर अपनी मां के सिर एवं शरीर के अन्य अंगों में वार कर दिया, जिससे मां लहूलुहान हो गई। मां ने तड़प तड़प कर मौके पर दम तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। घटना के संबंध में गुनोर SDOP पीयूष मिश्रा ने बताया कि पटना तमोली गांव के बेटे के द्वारा अपनी मां को कुल्हाड़ी से मारने का मामला सामने आया है। मामला 6 अक्टूबर की शाम सामने आया था। जानकारी लगते ही सलेहा थाना प्रभारी अभिषेक पांडे के साथ पुलिस बल एवं स्वयं जाकर मौके पर कुसुमबाई के शव को कब्जे में लिया गया। सबको पोस्टमार्टम करवा कर 7 अक्टूबर को अंतिम संस्कार के लिए सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले में आरोपी राहुल चौरसिया के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। सलेहा से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पटना तमोली में एक व्यक्ति है राहुल चौरसिया, जिसने अपनी मां कुसुमबाई चौरसिया के साथ घर में ही जमीन के बंटवारे के संबंध में विवाद किया और उसके बाद गुस्से में आकर के उसने अपने पास रखी हुई कुल्हाड़ी को उसके सर पर मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।